जय श्री राम। दोस्तों, चमत्कार या संयोग कहे, जो हो रहा है सचमुच अद्भुत ही हो रहा है। और जिसने अपने जीवन काल में यह सब देख लिया, उसका परम सौभाग्य ही कहा जाएगा। अयोध्या में दिखाई दे रहा गिद्धों के झुंड के बाद अब और एक चमत्कार देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मध्य प्रदेश के एक मंदिर में ऐसी घटना हुई है जिसे चमत्कार बताया जा रहा है। दरअसल खंडवा के जुना राम मंदिर में स्थित भगवान हनुमान की प्रतिमा ने खुद ही अपना चोला उतार दिया है। सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर हैरान रह गए। हनुमान जी के चोला त्यागने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई और लोग इसे चमत्कार बताते हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोजाना की तरह 6 जनवरी को भी सुबह भक्त जुना राम मंदिर में पूजा अर्चना करने और भगवान के दर्शन के लिए गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन 8 बजे के बाद अचानक हनुमान जी की प्रतिमा से चोला गायब होने लगा। सिंदूर अपने आप उतर रहा था और कुछ ही देर में पूरा सिंदूर उतर गया और भगवान हनुमान अपने मूल रूप बाल रूप में वापस आ गए। जैसे ही लोगों ने भगवान हनुमान का ये रूप देखा, मंदिर में जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे गूंजने लगे। भगवान हनुमान के चोला त्यागने की इस घटना को लोग चमत्कार बता रहे हैं और चमत्कार देखने के लिए कुछ ही देर में मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त बजरंग बली के सामने दंडवत होने लगे। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 100 साल बाद हनुमान जी ने अपना चोला त्यागा है। वहीं कुछ लोग इसे अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा भी बता रहे हैं।